हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनगणना को। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी वो एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि 2 से 3 पृष्ठ आपको इस टॉपिक से पूछने को मिल जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे इसकी पूरी, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज की ही क्लास में। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। तो देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन सा टॉपिक है, जनगणना। जनगणना यानी आपका सेंसस। क्या हो जाएगा, जनगणना यानी सेंसस। सबसे पहले जानेंगे कि सेंसस यानी जनगणना आपकी होती क्या है। ये आप देखेंगे इसकी एक छोटा सा परिभाषा है। किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, वही कहलाता है जनगणना। किसी देश में या फिर किसी क्षेत्र में रह रहे लोगों के बारे में जानकारी या फिर सूचना जो हम प्राप्त करते हैं और उसे फिर रिकॉर्ड करना, वही क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनगणना की जाती है। आइए पूरी डिटेल हम देखते हैं। भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। कब हुई, 1872, हम याद रखेंगे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। सर्वप्रथम पूछा गया है, सर्वप्रथम आपको बता रही हूँ। सबसे पहले भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। कब हुई, 1881 में, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोनों ही, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1872 में होती है, लेकिन जो नियमित होती है जैसे हर 10 साल बाद होना है, तो कब से स्टार्ट हुई, 1881 में वो स्टार्ट हुई। किसके शासनकाल में, किसके काल में हुई, लॉर्ड रिपन, स्टार्टिंग लॉर्ड मेयो और फिर नियमित लॉर्ड रिपन, याद करेंगे। आगे चलते हैं, 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W.W. प्लोडन थे। कौन थे, जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, W.W. प्लोडन, W.W. प्लोडन, ठीक है। वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। कौन थे आपके, देखेंगे 1881 में जब नियमित रूप से जनगणना हुई, उस समय उसकी जनगणना आयुक्त कौन थे, W.W. प्लोडन थे, ठीक है। उसके बाद से अब आप देखेंगे हमारा भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में। उसके बाद से 1951 में जनगणना हुई। कब, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब होती है, 1951 में होती है। कब होती है, 1951 में, ठीक है। 2011 की जनगणना कौन सी है, हिसाब लगाएंगे तो कौन सी होगी आपकी, 7वीं जनगणना। 7वीं जनगणना जो है आपकी 2011 में हो चुकी है, ठीक है। अब कौन सी होनी है, 2021 में ये होनी थी पर कोविड के चलते ये नहीं हो पाई है। अब जब भी होगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सी होगी, 8वीं जनगणना होगी स्वतंत्रता के बाद। वैसे कौन सी होगी, 16वें नंबर की होगी। वैसे 16वें नंबर की होगी। 1881 से बात करें तो 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी है, 15वीं जनगणना है। कौन सी है, 15वीं जनगणना है। आगे देखेंगे, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, स्वीडन जो देश है उसको जाता है। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जो जनगणना कराने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, स्वीडन देश को जाता है, जहां पर 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। पूरे विश्व में सर्व प्रथम जो जनगणना कराई गई थी वो 1749 में पहली बार जनगणना स्वीडन देश में करवाई गई थी, ठीक है। दसवीं जनगणना की शुरुआत
1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी, यानी कि अपने भारत में कब हुई? 1881 में। लेकिन विश्व की बात हो रही है, तब कहाँ पर हुई? दसीय दसीय जनगणना, यानी कि हर 10 साल में जनगणना की जो शुरुआत हुई वो 1790 ईस्वी में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। उसके बाद 1872 में स्टार्ट हुई थी। फिर जो नियमित वाली थी वो कब हुई? 1881 में हुई। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246, इसे आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो किसको है? संघ सरकार, केंद्र सरकार को सौंपा गया है। किस धारा के अनुसार? भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार क्या किया गया है? जनगणना कराने का जो दायित्व है वो संघ सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, किसको सौंपा गया है? संघ सरकार को सौंपा गया है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। जनगणना क्या है? संघ का विषय है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 246 के तहत। ये संविधान की 7वीं अनुसूची, किस अनुसूची? 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 की सूचीबद्ध है। तो आप क्या याद रखेंगे? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जो जनगणना संगठन है वो किसके अधीन कार्यरत है? वो आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। किसके? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है आपका जनसंख्या संगठन। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त रजिस्टर जनरल एंड सेंसन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, क्या होता है इसका जो उच्चतम अधिकारी होता है भारत का, कौन होता है वो? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त रजिस्टर जनरल एंड सेंसिस कमिश्नर ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे, ये भारत का। ठीक है, ये देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना की आंकड़ों को जारी करता है। कौन? आपका महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, यही क्या करता है? जनगणना की आंकड़ों को बताता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन है वर्तमान में आपके जनगणना आयुक्त? कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। इनसे पूर्व इस पद पर कौन थे? देवेंद्र कुमार सीकरी, देवेंद्र कुमार सीकरी, देवेंद्र कुमार सीकरी। ठीक है, 2000 ईस्वी की, 2000 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना, मैंने आपको बता दी कि 2011 की जनगणना जो है वो कौन सी जनगणना? आपकी 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इसकी शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई है। ठीक है, 2011 की जनगणना। 2011 ईस्वी का शुभंकर का नाम क्या है? प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। ये देख रहे हैं आप एक मैडम जैसी जो हाथ में बुक्स और यहाँ पर बैग जो है टांगे हुए हैं, ये क्या है? ये आपका शुभंकर है। ये शुभंकर यानी आपका मैस्कोट है जनगणना का। 2011 की जनगणना की ये क्या है? मैस्कोट यानी शुभंकर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है,
तथा इसका जो आदर्श वाक्य था वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था इसका जो वाक्य है वो हम याद रखेंगे, क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2000 ईस्वी की जनगणना में ये विभाजन 640 जिलों में किया गया। यानी कि जो जनगणना की गई थी वो कितने जिलों में की गई? 640 जिलों में की गई। इससे पहले यानी आपके 2001 में जब जनगणना हुई तब कितनी कितने जिलों में ये की गई? 593 में ये जिलों में जनगणना की गई थी। कब? 2001 में की गई थी। ठीक है, तो फलस्वरूप क्या हुआ? 10 वर्ष यानी एक दशक वृद्धि में क्या हुआ? 47 जो जिले हैं, 47 जिले और आगे बन गए थे। ठीक है, चलेगा। अब हम 2001 के आंकड़ों को हम देखेंगे। 2011 के आंकड़े, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या क्या किसके अनुसार? 2011 के अनुसार कितनी है? 1,21,08,54,977। इतनी आप याद नहीं रखो, 121 करोड़, एक सौ वैसे आप इसे याद कर लेना, 121 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र है हमारा भारत। ठीक है, 121 करोड़। ठीक है, जिसमें से पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या प्रतिशत में आप याद रखेंगे 51.47%, 51.47% इस पूरी जनसंख्या में से कितने हैं पुरुष? हैं 51.47%, 51.47%। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं? महिलाओं की दर कितनी है आपकी 21 करोड़ की आबादी में से? 48.53%। कितनी है? 48.53%। ठीक है, पुरुषों की कितनी है? 51.47, इसकी महिलाओं की कितनी है? 48.53। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। कितनी है? 17.5, यानी पूरी विश्व की, अपनी भारत की बात करेंगे, पूरी विश्व की कुल जनसंख्या के कितने भारत है? 17.5% ही है। कितना है? 17.5% किसमें? जनसंख्या है। जबकि 10 की वृद्धि दर 21.54% है। देखिए, जो 21.54% जो है ये आपकी 2001 की है जब जनगणना की गई थी, ये अब घटकर कितनी हो गई है? 17.7%। ये कब की है? 2011 की है। ठीक है, जो 10 की वृद्धि दर होती है वो गिनी जाती है, तो 10 की वृद्धि दर पहले कितनी थी? 21.54%। अब घटकर वो कितनी हो गई है? 17.7%। 10 की वृद्धि दर यानी जनसंख्या 10 वर्ष में कितनी बढ़ी, तो अब वो घटकर कितनी कम हो गई है? 17.7% हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है आपके? 1.97%, 1.97% है, जो कि घटकर कितनी हो गई है? 1.64%। ये आपकी 2001 की है, ये 2011 की है। ठीक है, जनसंख्या में ये आपकी क्या है? वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। और आपकी 10 की
वृद्धि दर कितनी है? 17.7%, 17.7% और 1.64%। ये है आपकी दशकीय वृद्धि दर, ये है आपकी वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब देखेंगे कि जो जनसंख्या घनत्व होता है वो होता क्या है, यानी जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, कितने व्यक्ति रह रहे हैं। ऐसे प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो है कितने व्यक्ति रह रहे हैं, वही क्या होता है आपका जनसंख्या घनत्व होता है, वही क्या होगा जनसंख्या घनत्व है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिंगानुपात पहले कितना था? 933, अब बढ़कर कितना हो गया है? 943, यानी जो सेक्स रेशो है, यानी लिंगानुपात आपका पहले कितना था? 2001 में 933 था, अब बढ़कर कितना हो गया है? 943 हो गया है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो भारत में प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं, कितनी है? 943 महिलाएं हैं, ठीक है। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या, जनसंख्या में जो साक्षर, साक्षर यानी कि आपका 7 वर्ष के बाद, यानी कि 0 से 7 वर्ष के बाद अगर कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सकता है, किसी भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो क्या होगा, उसकी गिनती किस में आएगी? साक्षर लोगों में उसकी गिनती आएगी, ठीक है। तो 64.84 से अब वो कितना हो गया है? 73% हो गया, ठीक है। तो अब तो और बढ़ जाएगा जब भी जनगणना होगी, तो आपकी साक्षरता दर कितनी है भारत की? 73% है, कितनी? 73% है। जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितनी है आपकी? पहले थी 75.26%, अब बढ़कर कितनी हो गई है वो? 80.9%। याद रखेंगे जो 80% है, 80% पुरुष साक्षरता दर है, वही बात करें महिला साक्षरता दर की, वो कितनी हो गई है? 53.67 से 64.6% हो गई है, कितनी? 64.6% क्या हो गई है? महिलाओं की साक्षरता दर हो गई है। तो पुरुषों की कितनी हुई? 80.9%, महिलाओं की कितनी हुई? 64.6, पुरुषों की 80 और महिलाओं की कितनी है? 64, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में, यानी कि पास पास कितने लोग रह रहे हैं, जन प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग जो है शहर में यानी राज्य में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में ये गिनी जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिहार में लोग रह रहे हैं, कितने? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, कितना सारा वो है, कितने लोग जो है पास पास में रह रहे हैं, कहाँ पर? बिहार में रह रहे हैं। 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है, कितने? सबसे ज्यादा 1106, ठीक है। भारत में घनत्व कितना है? भारत में बता ही चुकी हूँ 382, कितने लोग रह रहे हैं? 382 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे तो कितना बड़ा है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं आप ऐसे याद रख सकते हैं, लोग क्या है दूर दूर जो है रह रहे हैं, कितने आपके? सिर्फ और सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, यानी बहुत दूर दूर ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ ज्यादा थी, कहाँ पर पास में रह रहे थे? कहेंगे आप बिहार में रह रहे थे। सबसे कम की बात करेंगे तो कहाँ रह रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में, कितने? 17
प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की या आपकी यूटी की बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश की, तो देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश का, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या पास पास आपके कौन से केंद्र शासित प्रदेश में रह रही है, तो वो है आपकी दिल्ली। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है आपका, दिल्ली है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी दिल्ली में, और बिल्कुल पास पास में रह रहे हैं बहुत लोग जो है, क्या कर रहे हैं, दिल्ली बड़ी सिटी है तो वहीं लोग जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग हैं और जनसंख्या घनत्व भी आपका सर्वाधिक है। कितने लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 11,320। कितने लोग रह रहे हैं, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा होगा, तो हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार। कौन सा, अंडमान और निकोबार जो है वहाँ पर ओनली 46, कितने आपके 46, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए। देख रहे हैं, दिल्ली मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पर है आपके, दिल्ली में है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ था, अंडमान निकोबार में। कहाँ था, अंडमान निकोबार में था। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सी हो जाएगी, दिल्ली है ना, लोग ज्यादा रह रहे हैं तो पास पास भी उनको रहना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या की यूटी। यूटी में, यूनियन टेरिटरी, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है, लक्षद्वीप में कम जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। ठीक है, लक्षद्वीप में कम है, दिल्ली में ज़्यादा है। आगे चलते हैं, अधिकतम लिंगानुपात राज्य। लिंगानुपात मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रति 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं रह रही हैं। ठीक है, तो भारत में कितनी है लिंगानुपात दर, कितनी है प्रति 1,000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। प्रति 1,000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, केरल है। केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता में भी आगे है और लिंगानुपात में भी ज़्यादा है। वहाँ पर जो है भ्रूण हत्याएं वगैरह है ना, अब वो शिक्षित हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, तो लिंगानुपात क्या है यहाँ पर ज्यादा है। कितना है, 1,084 लिंगानुपात है यहाँ का, केरल का। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि कम, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तमिलनाडु का। किसका है, तमिलनाडु का है। न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, हरियाणा। आपने सुना ही होगा, आपने सीरियल वगैरह देखे होंगे, तो वहां पर जो है लड़कियों को मतलब मार देते थे, है ना, आपने सीरियल्स वगैरह में देखे होंगे। तो हरियाणा में क्या है, अभी भी क्या है, लिंग अनुपात कम है पुरुषों के मुकाबले, वहां की जो महिलाएं हैं वो क्या है, कम है, हरियाणा में कम है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, पुंडुचेरी। पौंडुचेरी जो है, पुदुचेरी भी हम इसे बोलते हैं, तो वहां पर है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, हरियाणा है। और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात दर की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा, न्यूनतम बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो हरियाणा न्यूनतम में, और सर्वाधिक में आएंगे तो पुदुचेरी। ठीक है,
सर्वाधिक साक्षरता दर देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ ज्यादा था? आपका केरल में ज्यादा था, है ना? तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है 94%। कितनी? 94% जो है यहाँ की साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो कहाँ की है? बिहार की है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की है। बिहार की क्या भी थी? बिहार में लोग पास पास रह रहे थे, जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ का कम था, जनसंख्या घनत्व यहाँ का कम था, ठीक है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व भी आपका कहाँ था? बिहार में है। अब ज्यादा लोग पास पास रह रहे हैं तो अब वहाँ क्या होगी? साक्षरता भी वहाँ की दर कमी होगी, गिरी हुई होगी ना। पास पास लोग रह रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या की जो साक्षरता दर है वो भी गिरी हुएगी। 61.8% यहाँ की साक्षरता दर है ज्यादा केरल की। देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा बताइए? क्या होगा आपका? लक्षद्वीप, ठीक है? यहाँ पर क्या थी? कम जनसंख्या भी थी, कम जनसंख्या भी यहाँ की थी, कम जनसंख्या वाला यूटी। आपका कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। सर्वाधिक अब लोग कम है तो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं तो साक्षरता दर क्या होगा? ज्यादा होगी। 91.8% यहाँ की साक्षरता दर है कहाँ की? लक्षद्वीप की। और कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है आपका? लक्षद्वीप है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा आपका? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पर ज्यादा है? आप पास पास लोग रह रहे हैं तो कौन सा होगा? वो भी दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्त्री और पुरुष में सबसे अधिक अंतर कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया गया। राजस्थान में जो साक्षरता दर है उनमें जो अंतर हमें देखने को मिला वो पुरुष और महिलाओं के मुकाबले में हमें महिलाओं का कम मिला। तो राजस्थान में तो वैसे ही महिलाओं को जो है कम पढ़ाते हैं। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार ऐसी की संख्या 20 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो एससी वर्ग है उसकी जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ है। और जो एसटी की जनसंख्या है वो 10 करोड़ है। एससी की 20 करोड़, एसटी की 10 करोड़, एससी की 20 करोड़, एसटी की 10 करोड़, याद हो जाएगी। और सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं बात करेंगे सबसे ज्यादा एसटी वाला राज्य कौन सा है, ठीक उसी के नीचे मैप में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उसी के नीचे ठीक जो है मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। तो एसटी की संख्या कहाँ पर ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। एससी की उत्तर प्रदेश में। एससी की कितनी है? 20 करोड़ है। एसटी की कितनी है? 10 करोड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी है? देश की कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या इसमें है 31.2%, ग्रामीण जनसंख्या 68.86% है। कितनी है आपकी? नगरीय जनसंख्या
नगरीय जनसंख्या कितनी है आपकी, 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.86% है, ठीक है। यानी कि गांव की जो आबादी है, गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं शहर के मुकाबले। 2001 में अगर नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो कितनी थी, 27.8%, 27.8% थी, और उसके बाद कितनी हो गई, 31.2% हो गई। यानी कि यहाँ पर 27, यहाँ पर 31 लोग क्या हो गए आपके, 10 वर्ष में चले गए कहाँ, शहर की तरफ। और जो ग्रामीण जनसंख्या जब 72 थी 2001 में, तो वो 2011 में वो कम हो गई कितनी, 68.86% वो शहर की तरफ चली गई। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की हम बात करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 20 करोड़, उसके बाद महाराष्ट्र 11 करोड़, उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या आएगा, बिहार आपका आएगा। थर्ड नंबर पर क्या है, बिहार है पहले पर, उत्तर प्रदेश, सेकंड में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य जहाँ जनसंख्या कम है, तो आप याद करेंगे जो सिक्का होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, तो वहाँ क्या है, जो है सिक्किम में बहुत कम जनसंख्या है, सिर्फ 6 लाख, कितनी है, 6 लाख जनसंख्या है। फिर उसके बाद मिजोरम, उसमें 10 लाख है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट। तो आपने थ्योरी जो है अच्छे ध्यान से पढ़ी होगी, तो आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान लगने वाले हैं, बहुत ही सिंपल आपको ये क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। बार बार मैं कह रही थी थ्योरी को जो है ध्यान से पढ़ो, तो क्वेश्चन अपने आप आसान हमें लगने लगते हैं। तो बताइए, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है, ये सबसे फर्स्ट आपको पढ़ाया था, बताइए 5वीं, 7वीं, 9वीं या फिर 12वीं, किस में, किस अनुसूची में डाला गया है, 7वीं अनुसूची में डाला गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को दिया गया है, किस धारा के अनुसार, बताइए भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार जनगणना करने का जो दायित्व है वो संघ सरकार को दिया गया है, धारा 55, धारा 167, धारा 246 या फिर धारा 343, बताइए क्या होगा आंसर, आपका आंसर होगा धारा 246 में के अनुसार दिया गया है संघ सरकार को। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1857, 1872, 1911, 1952, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई, ठीक है, 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी, ठीक है। किसके किसके कार्यकाल में, लॉर्ड लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुआ, वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, ये आपका हो गया। देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 या 1991, 1901, 1911, बताइए। कब हुई थी, 1881 में, किसके कार्यकाल में हुई थी, बताइए, 1872 में लॉर्ड मेयो और 1881 में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 से 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है
वो कौन सी जनगणना है? वो आपकी 15वीं जनगणना है, 15वें नंबर की जनगणना है। और अगर हम बात करेंगे कि आज़ाद भारत की, यानी कि स्वतंत्रता के बाद 2011 की जन 2000 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है बात करेंगे तो 7वें नंबर की जनगणना है। 7वें नंबर की जनगणना है 1951 से आप गिन लीजिएगा, तो 7वें नंबर की। अब जो 1921 में, ओ सॉरी 2021 में होने चाहिए थी वो नहीं हुई कोविड के कारण। अब जब होगी बताएंगे, ठीक है? वो कौन सी होगी? आपकी 8वीं और वैसे 16वीं। चलिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में जो नियमित जनगणना हुई वो किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड लिटन, या फिर लॉर्ड लॉर्ड बेंटिक? किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड मेयो के में तो स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन नियमित किसके में हुई? लॉर्ड रिपन के में। कब? 1872, 1881 और 1872 में शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखेंगे, 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 6वीं जनगणना, या फिर 7वीं जनगणना होगी, 8वीं जनगणना होगी, या फिर 9वीं जनगणना? तो पहले तो याद कर लें, अभी 2021 में होनी थी पर वो नहीं हुई, तो अब जो भी होगी कौन सी होगी? वो 8वीं होगी, स्वतंत्रता के बाद की। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? वर्ष 2030, वर्ष 2035, 2040 और 2045। तो हम इसे सही करेंगे क्योंकि ये पहले 2045 थी पर इसको 2070 कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 2070 तक ये लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है, 2070 तक, ठीक है? किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? किस वर्ष की जो जनसंख्या है वो उसको विभाजक वर्ष माना जाता है? 1921, 1931, 1941, 1951। 1921 की जो जनगणना थी उसको क्या माना जाता है? जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है क्योंकि इस समय जो है दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी। क्या हो गई थी? ऋणात्मक हो गई थी। क्या हो गई थी? माइनस में चली गई थी, इसीलिए उसको कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या का प्रतिशत कितना है? आपकी 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या है आपके भारत की टोटल। उसमें से बताना है पुरुषों की जो दर है, पुरुषों की जनसंख्या की दर कितनी है, कितना प्रतिशत है? 47.23%, 51.47%, या फिर 57.67%, या फिर 48.53%? कितनी है? 51.47% जो है पुरुषों की है, जनसंख्या दर, और महिलाओं की है 48.53।
महिलाओं की कितनी है? 48.53%। ठीक है, और देखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है। और कम जनसंख्या वाला क्या है, कौन सा राज्य है आपका? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो कम में आपका लक्षद्वीप है और ज्यादा में आपका दिल्ली है। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 12.4%, या फिर 15.6%, 17.5%, या फिर 20.3%? कितना होगा आपका? 17.5%। पूरे 121 करोड़ की आबादी में से कितना है आपकी विश्व की जनसंख्या में से भारत का जो दर है वो कितनी है आपकी प्रतिशत? 17.5% है। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ना कि दशकीय बल्कि वार्षिक। बताइए 1.32% या 1.56% या फिर 1.64% या 1.72%? आपकी क्या आंसर होगा? 1.64%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दशकीय वृद्धि की दर में क्या है, बिल्कुल ऋणात्मक है, माइनस में है? बताइए मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड या नागालैंड? क्या आंसर होगा आपका? नागालैंड में क्या है आपकी ऋणात्मक दर है दशकीय वृद्धि दर। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? 914, 918, 921 या फिर 943? कितना है? 918 है। ठीक है, दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, 944 या 945 या 946? मैंने बताया था आपको प्रति 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं रह रही हैं, 943 महिलाएं जो हैं रह रही हैं। चलिए दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 322, 342, 362 या 382? आंसर होगा 382। दो हजार में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर
दर है वो कितनी है भारत में? 87.23%, 81.47% या फिर 73% या फिर 62.34%? कितनी है? 73% है। कितनी है? 73% आपकी भारत की साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष कितने हैं साक्षर, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? आपकी कहेंगे 80.9%। और महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की कितनी है हम साक्षरता दर? 64.6%, 64.6%। ठीक है, चलिए। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है? 47.2, 51.4 या 57.6 या 64.6? कितनी? 64.6 अभी बताया। और पुरुषों की 80। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है बताइए? चलिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा? कहाँ की है? सिक्किम की है। और सबसे ज्यादा कहाँ की है बताइए? सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी है उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम आपके सिक्किम की। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी है? अंडमान और निकोबार की है। राज्य में सिक्किम की है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की है। ठीक है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपकी सिक्किम की है। ठीक है, दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? किसके अनुसार? जनसंख्या की दृष्टि से बताइए कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा होगा आपका? तीसरा। पहला उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार का। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। यूपी, एमपी, बिहार या यूपी महाराष्ट्र बिहार? तो आपका यही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले उत्तर प्रदेश, और फिर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है, फिर महाराष्ट्र, फिर उससे कम बिहार।
2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? सबसे ज्यादा मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में या फिर मिजोरम में? कहाँ पर रह रहे हैं? बिहार में। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? न्यूनतम है। कितनी है न्यूनतम? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बताइए। लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली, अंडमान निकोबार या दिल्ली? कौन सा होगा? दिल्ली। जनसंख्या जहाँ ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। और कम की बात करेंगे, सर्वाधिक मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता ज्यादा है। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? क्या है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व? लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली, अंडमान निकोबार या फिर दिल्ली? कौन सा होगा? अंडमान निकोबार होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार या फिर दिल्ली? ज्यादा आपका कम न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या होगा? लक्षद्वीप। ज्यादा वादा दिल्ली होगा। चलिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? नागालैंड, केरल, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? किसका है आपका? सिक्किम का है। क्या है लिंग अनुपात सबसे कम? दो हजार ग्यारह में जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपका केरल है, ठीक है। सही कर लेना इसको। क्या है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला? मैंने वो राज्य आपको बताया था, केरल था। और सबसे ज्यादा साक्षरता लिंगानुपात वाला भी क्या होगा आपका? केरल होगा, ठीक है। दो हजार ग्यारह में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात किस राज्य का है? राजस्थान, केरल, हरियाणा या फिर अरुणाचल प्रदेश? किसका है? हरियाणा का है, ठीक है। आप याद रखेंगे हरियाणा। देखिएगा, मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, है ना। आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जनगणना से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए मैंने पहले आपको थ्योरी कवर करवा दी और उसके बाद क्या करवा दिए, क्वेश्चन। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं करना, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है।
चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार या दिल्ली? कौन सा है आपका? पुदुचेरी है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगी। और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो है हमारी हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं इसी चैनल पर, तो आपने अगर वो नहीं देखी हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए पूरी चैप्टर वाइज हिस्ट्री के एमसीक्यूज में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके की और भी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।